सो द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टेल एवरीबडी जो ये वीडियो देख रहा है इज़ क्वाइट अजेंशियल जो बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे बट लेट मी टेल यू वन थिंग इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई से दिस बिकॉज बाकी सारे डोमेन्स में 200 हंड्रेड और टू हंड्रेड स्कोर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा जनरल टेस्ट में स्कोर करने में बहुत टाइम लगेगा इंग्लिश में कम टाइम लगेगा ठीक है तो आज से ये गार्ड बांध लीजिए कि आपको दो घंटे इंग्लिश को देने हैं फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज दो घंटे इंग्लिश को देना इज़ नॉट टू मच टू आस्क फॉर गाइज अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जो सच में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं दिस इज़ सिंपली द लीस्ट यू कैन डू क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि सारे ग्रैंड एगैड के चैम्पियंस सच में इस एग्ज़ाम में चैम्पियन बन के रहें और निकलें तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अब क्या करना है ठीक है डे वन आप करने वाले हो ग्रामर ठीक है जो आपका पहला दिन होने वाला है इस सी के इंग्लिश के रोड मैप में आई वॉन्ट टू टेल यू कि इसमें आपको पूरे बेसिक्स ऑफ ग्रामर करने हैं आपको पढ़ना है कि ग्रामर के रूल्स क्या होते हैं ग्रामर का सिंटैक्स क्या होता है वर्ब क्या होता है नाउन क्या होता है प्रोनाउन क्या होता है एडजेक्टिव क्या होता है वर्ब्स क्या होते हैं आप बोलोगे सर मुझे यह सब आते हैं नहीं आपको नहीं आते आपको पता है कि एक बहुत बेसिक सेंस में इन शब्दों का मतलब क्या है इन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है बट आई वॉन्ट यू टू बी वेरी फमिलियर विद हाउ दीज थिंग्स वर्क इन टर्म्स ऑफ द देंटैक्स एक सेंटेंस में ये कैसे यूज करने को आते हैं अगर मैं लिख रहा हूँ आई एम राजू क्या आप इसमें बता सकते हो कि प्रोनाउन क्या है नाउन क्या है तो आप डे वन पे सिर्फ दो घंटे ये लगा के पढ़ने वाले हो ओके लेट्स लुक एट डे टू टू फोर डे टू टू फोर में हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की रोट लर्निंग ठीक है इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है सी यू टी इंग्लिश में एंड डे टू टू फोर पे हम सिर्फ यही करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग आप समझ लो रट्टा मार लो एक ही बात है लेकिन इसमें कुछ आप ग्राउंड ब्रेकिंग तो पढ़ नहीं सकते ग्राउंड ब्रेकिंग कंसेप्चुअल चीज़ें इसमें तो टेस्ट ही नहीं होती हैं डे फाइव टू सेवन को हम करने वाले हैं पैरा जम्बल्स एंड Question syntaxes. पैरा पैराजंबल बहुत ज़्यादा मुश्किल है सी यू ई टी इंग्गलिश में आई वुड से इट्स एक्चुअली द ट्रिकिएस्ट पार्ट ऑफ़ द इंटायर सी ऊी एग्जाम इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी वेल वेलवर्स विद पैरा पैरा पैराजंबल समझने का एक ही तरीका है कि आपको पता हो कि एक क्वेश्चन एक पैराग्राफ का सिंटैक्स क्या होता है सही ऑर्डर क्या होता है एक पैरा शुरू कैसे होना चाहिए इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन कैसे होती है प्रपोजिशन कहाँ आते हैं कंजंक्शंस कहाँ आते हैं तो आपको उस एस्पेक्ट से पढ़ना है बिफोर आई टेल यू द रेस्ट ऑफ द डेज मैं आपको बताना चाहता कि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट इन द वर्ल्ड बेस्ट इन द यूनिवर्स सी इंग्लिश का कोर्स है आपको खुद पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन हम इंग्लिश के एक्सपर्ट्स हैं आप देख सकते हो हमारे क्रेडेंशियल्स क्रिडेंशियल रामजोसनर्स हंड्रेड परसेंट टाइलर बाकी सारी चीजें तो हम बता भी नहीं सकते इतनी सारी लिस्टेड हैं वी हैव एन एवरेज रेटिंग ऑफ बहुत ज़्यादा बच्चों ने हमारे इंग्लिश कोर्सेज लिए हैं एंड वी हैव गिवन दम स्पेक्टेक्यूलर रिटर्न तो अगर आप चाहते हो कि आपका सी ईटी एग्जाम इंग्लिश में बहुत अच्छा जाए आपके नंबर बहुत ऊपर बढ़ जाए बिकॉज ऑफ इंग्लिश और आपको लीस्ट अमाउंट टाइम मिले आपको दो-दो घंटे दो नहीं निकालने पड़े इस में जो मैं आपको बता रहा हूं देन जॉइन आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स इट इज गोइंग टू हेल्प यू लिंक इज इन द पिन डिस्क्रिप्शन लिंक इज इन द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन ओके मूविंग ऑन हम अब डिस्कस करते हैं हम डे एट टू 10 क्या करने वाले हैं डे 8 टू 10 में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड एनालॉजीज अगर आपको पता नहीं कि एनालॉजीज क्या होती हैं आप हमारा सीयूईटी इंग्लिश का जो वीडियो है ऑन सिलेबस वो जाके देख सकते हो मैंने उसमें आपको एक डिटेल ब्रेकडाउन दिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सी यू टी इंग्लिश में अनालिजी बेसिकली रिलेशनशिप बिल्डिंग क्वेश्चन होते हैं तो आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है फ्रॉम डे एट टू टेन ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल लैप डे इलेवन एंड ट्वेल्व को हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सी यू में ना इनका कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आता है कि एक्टिव को पैसिव बता दो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना दो अब वो करोगे प्लस यू विल डू सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन सी यू में ना ये भी पूछा जाता है कि इस सेंटेंस को बताओ इनकरेक्ट है कि करेक्ट है स्पॉट द करेक्ट सेंटेंस स्पॉट द इनकरेक्ट सेंटेंसेज फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज तो आपको वो करना है ठीक है फाइनली इन टर्म्स ऑफ आर फाइनल कॉन्सेप्ट डेज इन सी ई इंग्लिश हम करेंगे डे थर्टीन टू डे फिफ्टीन तो वर्ड्स लाइक डे जा वो है ना ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस होते हैं जो कभी बार सी में आ जाते हैं यू शुड नो वट दे मीन ऐसे शब्द जो हैं तो दूसरे लैंग्वेज के बट कल्चरली इंग्लिश में यूज होते हैं एंड सिनेम्स एंड एंटेनिम्स आपको पता है ऑपोजिट्स एंड सिमिलर वर्ड आपको करने हैं जब आपने ये पंद्रह दिन की स्ट्रैटेजी अपना ली हो ना राइज आई वॉन्ट यू टू डेडिकेट योर सेल्फ एंटायरली टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मॉक्स जब आपने सारी पढ़ाई कर ली है आप मॉक्स करो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्यूटर पे बैठ के सारे मॉक्स करो आप पागल हो जाओगे वो करते रहोगे लेकिन एक किताब ले लो एक अफिलियट लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एक अफिलेट लिंक दे दूंगा वी रेकमेंड दोज बुक्स ऑफ ऑब्वियसली वी आर एफिलेटेड विद दैम यू कैन बाय दैट वन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देयर आफ्टर इज दिस इज द एब्सोल्यूट बेस्ट